बच्चे जब रोते हैं तो माँ दूध पिलाती है, तो सरकार के सामने जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको आवाज देना ही पड़ेगा, मानदेय के लिए, पेंशन के लिए, मान्यता के लिए जो है उसमें माननीय श्रम मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। श्रम मंत्री जी से मैंने निवेदन किया, महोदय पत्रकार बौद्धिक श्रमिक है, पत्रकार लेबर है, एक तारीख को आपका इलाहाबाद में भी सम्मान करने जा रहे हैं।